हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 में और सैमसंग गैलेक्सी M21 में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो बात की जाए डिस्प्ले से तो दोनों की सेम है, 6.4 इंच की और दोनों फ़ोन का रेजुलेशन 1080x3340 पिक्सल और दोनों फ़ोन की स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले। बात की जाए हार्डवेयर की तो दोनों का सेम है, एक्सिनोस का है 9611, सीपीयू 2.3 का हार्ड, ऑक्टे कोर का 10 नैनोमीटर्स का फिनफैट, जीपीयू जी बेहतर का। बात करते हैं बैक कैमरे की तो दोनों का सेम है, ट्रिपल है। दोनों का जो मेन कैमरा है 48 मिसल का, फिर 8 का और फिर 5 का। और बात करते हैं फ्रंट कैमरे की तो दोनों का सेम है, 20 मिसल का मिल जाता है। दोनों का बैक कैमरा आपको वाटर प्रूफ नॉच के साथ मिलता है और दोनों फ़ोन में बैटरी सेम है, 6000 mAh की मिल जाती है और दोनों फ़ोन के बैटरी टाइप्स मोनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। और दोनों फ़ोन में चार्जर सेम है, 15 वाट का फास्ट चार्जर है। दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन में आपको ट्रिपल सिम मिलती है, कनेक्टिविटी दोनों में 3G 4G की। दोनों में रैम है 4 GB और 6 GB की। दोनों की मेमोरी है 64 GB 128 GB की और आपको दोनों में फ्रंट में ग्लास मिलता है, बैक में प्लास्टिक मिलती है और फ्रेम भी प्लास्टिक का मिलता है और दोनों की वारंटी है 1 साल की। बात करते हैं प्राइस की तो M21 2021 का स्टार्टिंग प्राइस है वो है 12,499 रुपये और M21 2020 का प्राइस है 12,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोनों फ़ोन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों फ़ोन सेम हैं।